तो यार मैं सुबह उठा तो सुबह सुबह की ड्यूटी होती है मेरे पानी की, तो मैं पानी लेने गया तो बाहर देखो इतनी ख़तरनाक गर्मी, तो मैंने हिम्मत करके पानी ले ही आया। थोड़ी देर बाद मैं छत पे आया तो छत पे देखा जहाज़ जा रहा था, हमारी छत की तरफ से बहुत जहाज़ जाते हैं। फिर मैंने देखा ये पत्ते हमारे घर के अंदर आ रहे, फिर मैंने फैसला किया कि इन पत्तों को आज मैं काट के रहूँगा। मैंने फिर पापा को बुलाया, पापा ने सारे पत्ते काटे और मैंने उनकी हेल्प की। उसके बाद मैंने नीचे देखा, नीचे इतना कचरा पड़ा हुआ था, ये हमारा कचरे वाला घर है घर के बराबर में, और हमें ये कौवा मारने के चक्करों में था। इसको हमने मारने दिया नहीं, मेरे हाथ में था डंडा और मैं उसको मारने दिया। हमने ऐसे कर करके पूरे पत्ते हमने काट दिए सुकून से, टेंशन नहीं है उसके बाद कोई। फिर मैं रात में छत पे आया, छत पे देखा बारिश हो रही है और उसमें जहाज़ जा रहा है, जहाज़ जा रहा था। मैंने बोला वाह वाह। फिर मैं देखा तो मेरे सारे एयरपोर्ट भीग चुके थे, इनको मैंने झाड़ा, मैंने इसका सारा पानी हटाया। फिर मैंने देखा तो मेरा तकिया भी सारा भीग चुका था। मैंने जल्दी जल्दी उठाया और मैं नीचे आ गया। नीचे आके देखा घड़ी का सेल ख़त्म है, उसके बाद मैं सेल डाला और सही हो गई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।